प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पाइपलाइनिंग देखा था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे 8086 का। उसके पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं 8086 के बारे में। 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर था, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8086 हैज 20-बिट एड्रेस बस एंड एक्सेस अप टू 2 to the power 20 मेमोरी लोकेशंस। यानी कि इसके पास कैपेसिटी होता है 2 to the power 20 मेमोरी लोकेशन को, यानी कि 1 MB ऑफ मेमोरी को ये इजिली एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 8086 है उसके मेमोरी का साइज क्या रखा गया है, 1 MB ही रखा गया है, ठीक है। इट कैन सपोर्ट अप टू 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इट प्रोवाइड 14 and 16-bit रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का काम क्या है? टेम्परेरली डेटा को होल्ड करके रखता है। तो ये किस किस साइज के रजिस्टर्स को प्रोवाइड करता है, मीन्स की यूज कर सकते हैं हम 8086 का? तो 14 और 16-bit ऑफ माइक्रो बिट रजिस्टर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में। इट हैज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। मल्टीप्लेक्स्ड क्या होता है? इट हैज यहाँ लिखा हुआ है इट हैज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेसेस, एड्रेस एंड डेटा बसेस। मल्टीप्लेक्स कहने का सेंस क्या होता है ना कि मल्टीप्लेक्स हम लोग कह सकते हैं कि एट अ सिंगल टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा पाथ हमको दिया गया है जिसपे हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को भी सेंड करवा रहे हैं और एड्रेस को भी सेंड करा रहे हैं सिंगल पाथ से, ठीक है। अदर फॉर्मेट में अगर हम मल्टीप्लेक्स की हम बात करें तो एक ऐसा कोई सिंगल मीडियम जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को एज अ आउटपुट भी दे सकते हैं और एज अ इनपुट भी हम वहां से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन अगर जहां कहीं भी होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिया गया है। क्यों? क्योंकि एड्रेस बस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, सारे डेटा बसेस और एड्रेस बसेस नहीं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने डेटा बसेस हैं? टोटल हमारे पास 16 डेटा बसेस एंड 20 एड्रेस बसेस हैं, जिसमें से 16 का 16 हमारा जो डेटा बस है वो मल्टीप्लेक्स्ड होता है एड्रेस बस के साथ। बट टोटल एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स्ड हमारा नहीं होता है किसके साथ, एड्रेस सॉरी डेटा बस के साथ। इट रिक्वायर्ड सिंगल फेज क्लॉक विथ 33% ड्यूटी साइकिल टू प्रोवाइड इंटरनल टाइमिंग। 808 आप लोगों को हेलो। आज लाइट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर क्लास डिसकनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण तो हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है। और अगर नहीं लाइट आएगा, नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ओके। एक्चुअली आज हम क्लास लेने वाले ही नहीं थे क्योंकि इतना लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है, सिस्टम ही बार बार बंद हो जा रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं कटा, आगे अब देखिए क्या होता है। 8086 is designed to operate in two modes, minimum and maximum mode. अभी ये minimum and maximum mode क्या है? Minimum and maximum mode कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग डेटा का ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं तो दो मोड में यहाँ पे काम होता है, हमारा मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा लाइन या कौन सा डेटा बस हमारा मिनिमम मोड पे काम कर रहा है या मैक्सिमम मोड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा पिन डायग्राम है, पिन डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, उन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर क्या किया गया है कि बार दिया गया है। बार कहने का क्या मतलब कि एक छोटा सा बार, तो पता होगा ना मैथ्स टर्म में आता है बार, जो किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग डालते हैं,
तो बार डालने से क्या होगा कि हमको पता चल पाएगा कि जो हमारा मेमोरी है वो मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है या मिनिमम मोड में काम कर रहा है। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड होता क्या है? मिनिमम मोड आपका होता है कि जब हमारा कोई प्रोसेस, ठीक है, एक्टिव लो या एक्टिव हाई होता है, उस केस को हम लोग मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड कहते हैं। ये और अच्छे से हम लोग देखेंगे जब हम लोग पिन डायग्राम इसका देखेंगे, उस केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेटा हमारा मिनिमम मोड में काम कर रहा है या मैक्सिमम मोड में वो काम कर रहा है। इट कैन प्री फेच अप टू 66 इंस्ट्रक्शन बाइट फ्रॉम मेमोरी क्यू देम इन ऑर्डर टू स्पीड अप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा हुआ है? 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा गया है कि जो हमारा ये इंस्ट्रक्शन क्यू है, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन क्यू बोलते हैं। इस इंस्ट्रक्शन क्यू का ये जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि 6 बाइट ऑफ डेटा को ही अपने पास स्टोर करके रख सकता है। इसके पास 6 बाइट से ज्यादा डेटा स्टोर, सॉरी, उससे हायर प्रायोरिटी का इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड 5 V पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई हमें चाहिए, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है, ये सारा कुछ हम जो भी बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर में भी कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? 8086 माइक्रो प्रोसेसर की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज, टोटल 40 पिन हमारे होते हैं जिसमें से वन साइड 20 और अनदर साइड में क्या होता है 20 पिन होते हैं, जिसमें से हमारे क्या होते हैं 20 पिन एड्रेस बसेस के लिए, 16 बिट डेटा बसेस के लिए और बाकी बचे हुए पिन। तो टोटल हमारे पास कितने पिन बचे? बाकी का हमारे पास 20 20 पिन बचा। 20 पिन कैसे बचा? अब बोलिए कि मैम 20 तो हम एड्रेस के ले लिए, 16 लिए हम डेटा के लिए, तो 20 कैसे बचा? अभी हम बताएं कि डेटा बस और एड्रेस बस दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स्ड कहने का क्या मतलब, इस डायग्राम में देखिए, मल्टीप्लेक्स्ड कहने का क्या मतलब कि एक ही पिन से हम काम क्या कर रहे हैं, डेटा का भी काम कर रहे हैं और एड्रेस का भी काम कर रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आउटगोइंग और इनकमिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि कब हमको डेटा बस काम करना है, डेटा बस के साथ काम करना है, और कब हमको एड्रेस बस के साथ में हमें काम करना है। अभी हम आप लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड के बारे में बता रहे थे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो बार हमने यूज किया हुआ है, ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। एमएन लिखा है, इसके ऊपर बार हमने नहीं लगाया है, मींस कि ये मिनिमम मोड पे काम करेगा, लेकिन जब ये मैक्सिमम मोड पे हम काम करेंगे तो इसके ऊपर में हम बार लगा देंगे। यानी कि जितने भी लेटर के ऊपर हमने यहाँ बार को यूज किया हुआ है, उस केस में हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मोड काम कर रहा है। तो ये आर्किटेक्चर हम जब समझाएंगे उस समय बताएंगे कि ये मैक्सिमम मोड में कब काम करेगा और मिनिमम मोड में कब काम करेगा, ठीक है। अभी तो इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे पहले, उसके बाद पिन स्ट्रक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ 8086, 8086 हैज टू ब्लॉक BIU एंड EU, यानी कि बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। 8086 में 2 ब्लॉक होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट में। अब इन 2 पार्ट्स में इसको क्यों डिवाइड किया गया है? इसलिए डिवाइड किया गया है कि आपका ये जो डायग्राम है, ये BIU सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी बसेस हम लोग यूज कर रहे हैं डेटा को ले जाने का, एड्रेस को लेके जाने का, ये सारा काम हमारा कौन करता है? BIU, यानी कि बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट जो कि हमारा ये अपर पार्ट है इस डायग्राम में, यहां से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन इस तरीके से लेके आया गया है ना, ये हमारा क्या है? BIU।
एंड नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, कि जो भी प्रोसेस हमारे पास आ रहे हैं उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपका BIU एंड EU में यही दिया गया है कि BIU सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है बसेस के लिए, एंड एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का वर्क करता है। द BIU परफॉर्म ऑल द बस इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन फेचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेंड्स ऑफ द मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी मेमोरी ऑपरेंड्स। द इंस्ट्रक्शन बाइट आर ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि हमारा BIU BIU क्या करता है, BIU करता है यही काम कि अभी तो हम बताएं बसेस के लिए काम करता है, तो बसेस क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, रीड करेगा या राइट करेगा। ठीक है, तो राइट एक्चुअल डेटा को नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेंड को करता है। ठीक है, कैलकुलेट करेगा एड्रेसेस को, मेमोरी ऑपरेंड को, और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को एक क्यू में रखने का काम कौन करता है, हमारा BIU। अब BIU के अंदर भी बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है, ये हमारा क्या है, मेमोरी है। ओके, ये हमारा मेमोरी है, और मेमोरी के अंदर में हमने क्या किया हुआ है कि मेमोरी को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब सेगमेंट्स क्या है, तो सेगमेंट्स के बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि क्या करता है, कि ये लॉजिकल डिवीजन होता है किसी भी मेमोरी का। अगर हम सेगमेंटेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इंटू द वेरिएबल साइज। ठीक है, सेगमेंटेशन का मेन प्रोसेस यही होता है। तो हम लोग 8086 में सेगमेंटेशन के एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, जिसको हम लोग सेगमेंट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम दिया गया है सेगमेंट रजिस्टर। तो ये हमारा क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर है, जिसको हमने क्या किया है कि फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या वर्क करता है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। EU executes instruction from the instruction byte queue। ये क्या कर रहा है कि EU जो हमारा है instruction unit जो है, ये काम क्या करता है, तो instruction unit का basic work ये है कि आपका instruction queue में जो भी instruction रखा गया है वो line to line, ठीक है, उसको क्या करेगा कि वहां से फेच करके लाएगा, डिकोड करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फेचिंग का काम तो BIU ने कर दिया, अब बचा काम क्या, आपको उसका डिकोड करना उसको, और देन एग्जीक्यूट कराना। तो ये काम हमारा कौन करेगा, ये काम हमारा करेगा EU, यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट को भी वर्क करने के लिए बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है कि उन सारे इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाके इस एग्जीक्यूट कराता है। जिसमें से आपका पहला क्या दिया गया है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करते हैं, दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, हम बताए थे जनरल पर्पस और एक क्या था, एक मेन पर्पस के लिए बनाया था, मींस कि वो सिंगल पर्पस के लिए बनाया जाता, सिंगल पर्पस रजिस्टर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर क्या काम करता है कि उसका काम यही है कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कब दिया गया है, और उसको कहाँ पे स्टोर करवा करके रखना है, ये सारा काम हमारा ये कर लेता है जनरल पर्पस रजिस्टर। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल यूनिट, AU, ऑपरेंट एंड फ्लैक्स। ठीक है, तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अभी तो हम लोग बस ओवरऑल देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर में आखिर दिया क्या क्या गया है। नेक्स्ट है आपका, बोथ यूनिट्स ऑपरेट असिंक्रोनसली टू गिव द 8086 एंड ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन
फेच एंड एग्जीक्यूट मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आगे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पाइपलाइनिंग में क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या करता है कि हमारा जो भी डेटा है उस डेटा को, जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस हमारे पास है, उन सारे प्रोसेस को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टार्ट करने का, स्टार्ट जो रूल फॉलो करवाता है, एक क्या कह सकते हैं कि एक पैराडिग्म्स दिया गया है कि उस पैराडिग्म्स के बेसिस पे क्या कर रहा है कि हमारा सारा प्रोसेस लाइन टू लाइन क्यू में है और अपने काम को वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में यही था कि हमें वेट नहीं करना पड़ता होता है। मान लीजिए चार प्रोसेस मेरे पास हैं तो चारों प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता हो है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या किया दिया गया कि साइमल्टेनियसली हम क्या कर सकते हैं कि सारे प्रोसेसेस को एक साथ में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बस क्राइटेरिया एक दिया गया है क्या कि जैसे ही हमारा एक प्रोसेस का फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होता है उसी टाइम पे हमारा दूसरा प्रोसेस इंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये रूल हर प्रोसेस के लिए चलता है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो दूसरा आया, दूसरे का फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ तो तीसरा आया। ये तो हम लोग पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में देख चुके थे कि किस तरीके से ये काम करता है। और पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, ये हमारे सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है और इसके जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस फास्ट कैसे हो जाएगा, एक टाइम पे हम चार वर्क दिए अपने सिस्टम को करने के लिए और मेरा सिस्टम इतना फास्ट है कि फोर हमने वर्क उसको दिया हुआ, फोर वर्क एक टाइम पे ही कंप्लीट कर देता है, तो हो गया ना एग्जीक्यूशन फास्ट। अगर एग्जीक्यूशन उसका स्लो होता तो एक खत्म होता, तब दूसरा स्टार्ट होता, तब तीसरा स्टार्ट होता, लेकिन 5 मिनट के अंदर में ही हमने पांचों प्रोसेस को क्या कर दिया, ओवर कर दिया। नेक्स्ट है आपका BIU, कंटेन्स इंस्ट्रक्शन क्यू सेगमेंट रजिस्टर रजिस्टर IP एंड एड्रेस एडर। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं आपका BIU में, एंड EU कंटेन्स कंट्रोल सर्किट इंस्ट्रक्शन डिकोडर ALU एंड फ्लैग रजिस्टर्स। BIU द सेगमेंट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड 6 byte इंस्ट्रक्शन क्यू आर एसोसिएटेड विद द बस इंटरफेस यूनिट। ये तो हम लोग अभी देख ही लिए कि एसोसिएटेड है इसके साथ। अब BIU का मेन वर्क क्या है, हैंडल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एड्रेसेस। ये क्या करता है कि जो भी एड्रेसेस यहां से आ रहे हैं, यानी कि ये जो काम है कि वर्क हमें क्या करना है, ये वर्क कौन बताएगा, ये बताएगा हमको कंट्रोल यूनिट। अ कंट्रोल यूनिट किसके अंडर में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट के इनर में। बट कंट्रोल यूनिट के पास कोई भी इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, थ्रू द प्रोसेसर आ रहा है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेसर, ये तो हमारा प्रोसेसर ही है, तो ये कहाँ से आ रहा है, थ्रू द इनपुट डिवाइस। तो थ्रू द इनपुट डिवाइस आने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि वो डेटा हमारा कहाँ चला जाता है, ये डेटा हमारे मेन मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाता है। अब वर्क क्या करना है ये प्रोसेसर डिसाइड करता है कि हमें क्या वर्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले किस काम को करना है। ठीक है, थ्रू द इनपुट डिवाइस डेटा आया, हमने उसको स्टोर कर दिया कहाँ पे, उसको हमने स्टोर कर दिया मेमोरी में। अब मेमोरी से डेटा को फेच करके लाना है, उसको डिकोड करना है, देन एग्जीक्यूट करना है। तो फेचिंग का काम तो हमारा BIU कर लेगा एंड डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा, हमारा EU। तो कौन से डेटा के एड्रेस को फेच करके लाना है ये कौन बताएगा, ये हमारा बताएगा इंस्ट्रक्शन क्यू, जिसके पास इंस्ट्रक्शन स्टोर करके हमने रखा हुआ है। ये 6 byte ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है कि स्टोर करके रख सकता है, यानी कि एक ब्लॉक में हम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 1 byte ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये 6 ब्लॉक्स यहाँ दिए गए हैं, 6 ब्लॉक स्टैंड फॉर 6 byte। ठीक है, 6 byte इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर कर रहा है, यानी कि एक ब्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन रखा गया है।
दूसरे ब्लॉक में, दूसरा यानी कि सेकेंड बाइट का, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, सिक्स बाइट, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमारा स्टोर करके रखा जाता है। तो जैसे ही ये पहला इंस्ट्रक्शन मान लीजिए कंट्रोल यूनिट के पास आया एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसी टाइम पे बीआईयू क्या करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सेंड कर देगा किसके पास, फिर से इंस्ट्रक्शन क्यू के पास उसको सेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन क्यू का काम ही यही है कि हर डेटा को अपने पास स्टोर करके रखे रहे, मींस कि क्या काम परफॉर्म करना है, क्या वर्क परफॉर्म करना है, ये पहले से ही अपने पास क्या करेगा, स्टोर करके रखे रहेगा और लाइन टू लाइन उसको क्या करेगा, सेंड करता जाएगा। ठीक है, एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, उस तरीके से वो अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, ब्लॉक का साइज तो सेम ही है, बस क्या कर रहा है कि एक डेटा गया, जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ से हमने कंट्रोल यूनिट के थ्रू हमने यहाँ से यूज किया वन वन, जैसे ही यूज किया तो ये जितने भी डेटा थे ये नीचे आ गए। अब इसमें क्या हो गया कि जो टू था वो वन हो गया, थ्री टू हो गया, तो जैसे ही वो सिक्वेंस नीचे आया तो नंबरिंग भी तो चेंज हो गया, या फिर मान लीजिए कि नंबरिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट डेटा तो आएगा ना, वन चला गया तो सेवन नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो आएगा, टू चला गया तो एट आएगा, ठीक है। और ये हमेशा वर्क करता है स्टैक के ऊपर। स्टैक क्या करता है, लास्ट, सॉरी, स्टैक किस प्रोसेस को फॉलो करता है कि सबसे पहले जो डेटा आया है वो कब जाएगा, सबसे पीछे जाएगा, नहीं ये क्यू के रो सॉरी 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 ये स्टैक नहीं, क्यू को फॉलो करता है। यहाँ लिखा हुआ अभी ये इंस्ट्रक्शन क्यू है। इंस्ट्रक्शन क्यू कहने का क्या मतलब कि जो डेटा सबसे पहले आया है वही डेटा सबसे पहले जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसमें, क्यू क्यू में, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है यहाँ पे क्या है, ओके, यानी कि जैसे ही डेटा वन हमारा गया, सारा डेटा नीचे आया, फिर एक नया इंस्ट्रक्शन मान लीजिए उसका नंबरिंग हमने सेवन करके रखा हुआ है, वो यहाँ पर फिर से आकर के स्टोर हो जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है आपका फेच इंस्ट्रक्शन कोड स्टोर, फेच्ड इंस्ट्रक्शन कोड इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर कॉल्ड क्यू। वन सेकेंड, क्यू में कौन सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ अब वही तो हम अभी बताएं, हम भी कंफ्यूज ही हो रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आई थी तो बोले फीफो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फीफो बोलते हैं, FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले गया। स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि वो ऊपर की तरफ से पॉपअप होता है। रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट डेटा टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इट रिलोकेट्स एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट सिंस इट गेट अनरिलोकेटेड ऑपरेंट एड्रेस फ्रॉम ईयू, द ईयू टेल्स द बीआईयू फ्रॉम वेयर टू फेच इंस्ट्रक्शन और वेयर टू रीड डेटा, ठीक है। हमेशा ईयू यानी कि इंस्ट्रक्शन यूनिट जो है वो हमें हमारे बीयू को बताता है, बीआईयू को बताता है कि आपको डेटा को कहाँ से फेच करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को कहाँ से फेच करना है या इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से रीड करना है, ये कौन बताएगा, ये बताता है हमारा ईयू। अब ये क्यों बताता है, क्योंकि इसके पास कंट्रोल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को सिग्नल प्रोवाइड करना, वर्क बताना कि आपको क्या काम करना है। तो अगर ईयू के अंदर में हमारा कंट्रोल यूनिट का पार्ट दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या वर्क परफॉर्म करना है, किस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, ये बताने का काम हमारा कौन करेगा, ये बताने का काम हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट करेगा।
BIU के पास कुछ फंक्शनल यूनिट्स हैं, उसके नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन क्यू, सेगमेंट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये आपका हो गया इंस्ट्रक्शन क्यू। यहाँ ES तक का जो पार्ट है ये आपका है सेगमेंट रजिस्टर, एंड ये है आपका लास्ट है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब इन सारे का बेसिक वर्क क्या है? व्हेन ईयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन द बीआईयू गेट 6 बाइट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर देम इन द इंस्ट्रक्शन क्यू, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। दिस प्रोसेस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। ये इंस्ट्रक्शन क्यू हमारे प्रोसेसर को हमारे प्रोसेसर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकता है? ये इस तरीके से बढ़ा सकता है कि बाद में फिर से कौन सा डेटा आने वाला है, नेक्स्ट डेटा क्या आने वाला है, ये पहले से ही हमने क्या किया है कि एक दूसरे प्लेस पे स्टोर करके रख दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वर्क क्या करेगा, ये हमने क्या किया, एक अलग स्पेस पे स्टोर करके रख दिया है, तो प्रोसेसर को बार बार सारा प्रोग्राम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ, इंस्ट्रक्शन क्यू के पास जाएगा और वहां से डेटा को फेच करके ले आएगा। तो इसमें जो टाइम का कंजम्पशन था डेटा को सर्च करने का या सॉर्ट करने का, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डेटा को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सर्च नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट वो कहाँ गया, इंस्ट्रक्शन क्यू में, और वहां से डेटा को फेच करके लाया, देन एग्जीक्यूट करने के लिए सेंड कर दिया किसके पास, एग्जीक्यूशन यूनिट के पास। सेगमेंट रजिस्टर, अ सेगमेंट रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन द मेमोरी विच आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट करेंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं सेगमेंट रजिस्टर। पहले सेगमेंट के पहले हम लोग सेगमेंटेशन देख लेते हैं क्या है। सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेन, ओके ये शेयर नहीं हुआ है, सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट हैज इट्स ऑन बेस एड्रेस। इट इज बेसिकली यूज टू इनहांस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट द प्रोसेसर इज एबल टू फेच एंड एग्जीक्यूट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इजली एंड फास्ट। सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेन मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट का अपना बेस एड्रेस होता है। ठीक है, बेस एड्रेस किसको हम लोग बोल सकते हैं? बेस एड्रेस हम लोग बोलते हैं कि जहां से हमारा मेमोरी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ओके, और हर बेस एड्रेस दूसरे जो भी दूसरा जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का क्या होता है, इंड एड्रेस होता है। यानी कि वहां पर क्या हो रहा है कि वो सेगमेंट ओवर हो रहा है और दूसरा सेगमेंट वहीं से क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हर डिवीजन का हर सेगमेंट का अपना अपना क्या होता है कि बेस एड्रेस होता है, और सेगमेंटेशन की वजह से हमारा मेमोरी का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि हमने क्या किया कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन था पूरा का पूरा प्रोसेस था, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके अलग अलग प्लेस पे क्या करवा दिया है, स्टोर करा दिया है। अब जब एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होगा तो प्रोसेसर क्या करेगा, डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाएगा और उस लोकेशन से क्या करेगा, डेटा को फेच करके लाके एग्जीक्यूशन के लिए वो दे देगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारे प्रोसेसर का स्पीड फास्ट हुआ, क्योंकि डेटा को फेच करने में जहां उसको पहले 2 मिनट लग रहा था सपोज, तो अब उसको क्या हो रहा है, 50 सेकेंड्स लग रहे हैं या 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, कुछ इस तरीके से टाइम स्लॉट उस वो यूज कर रहा है, जिस कारण से हमारा एग्जीक्यूशन क्या है वो फास्ट हो रहा है।
तो प्रोसेसर को सेगमेंटेशन का नीड क्यों हुआ? इन इंटरफेस यानी इन बस इंटरफेस कंटेन 4 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर कॉल अ सेगमेंट रजिस्टर। BIU में हम लोग फोर, यहाँ देखिए आ गया ना स्पेशल पर्पस रजिस्टर। EU में क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर। और यहाँ पे क्या है? स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी कि सिर्फ स्पेशली किसी वर्क के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो BIU क्या करता है कि 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर को यहाँ पे रखा गया है, जो 16 बिट डेटा को कंटेन करने का काम कर सकता है। सिर्फ 4 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सेगमेंट रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट करेंटली बीइंग यूज्ड। यहाँ पे ये जो 4 सेगमेंट्स दिए गए हैं, इन चारों सेगमेंट्स का अलग अलग वर्क है अपना। अलग अलग वर्क क्या है कि एक डेटा सिर्फ कोड को रखता है, दूसरा डेटा को रखता है, तीसरा उसके स्टैक को मेंटेन करता है, और फोर्थ रजिस्टर जो है वो क्या करता है कि उसको हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा गया है, क्योंकि नेक्स्ट डेटा क्या आने वाला है उस डेटा के एड्रेस को ये क्या करता है कि स्टोर करके अपने पास रखे रहता है। अब कोड रजिस्टर क्या है? कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड ऑफ अ प्रोग्राम। डेटा सेगमेंट रजिस्टर द डेटा वेरिएबल एंड द कॉन्स्टेंट गिवेन इन द प्रोग्राम आर हेल्ड इन द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। स्टैक रजिस्टर स्टैक सेगमेंट होल्ड एड्रेस एंड डेटा ऑफ अ सब रूटीन्स। इट ऑल्सो होल्ड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन गिवेन इन पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन क्या करता है? पुश एंड पॉप। पॉप काम करता है जब हम डेटा को वहां से परमानेंटली हटा देते हैं, और पुश कब काम कर रहा है? जब हम नेक्स्ट डेटा को उसमें डाल रहे हैं, यानी कि पहले का जो डेटा है उसको आगे बढ़ा करके उसके प्लेस पे दूसरे डेटा को हम लोग क्या करवा रहे हैं? इंसर्ट करवा रहे हैं। इन एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द सेम डेटा ऑफ सर्टेन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ये आपका बेसिक 4 सेगमेंट रजिस्टर्स था जिसको हम लोग यूज करते हैं मेमोरी को मेंटेन करने के लिए, जो हमारा मेमोरी है। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो सेगमेंट रजिस्टर है ये किस तरीके से मेमोरी से डेटा को फेच करके लाता है, और हर कोड हर सेगमेंट किस तरीके से वर्क करता है, किस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, और वो एड्रेस और डेटा किस तरीके से हमारे प्रोसेसर के पास जाता है, ये हम लोग सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप लोग गए या है चले गए सब? आप लोग मैम। क्लास सुनते हैं या क्लास चला करके चल जाते हैं कहीं पे नहीं स्टार्ट मैम, के बाद? सुनते हैं मैम। नहीं, बीच में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, लग रहा है हम प्रवचन कह रहे हैं और कहते चले जा रहे हैं, मैम बीच में पूछते कोई ही नहीं कुछ नहीं इसलिए। पूछता है। हाँ, आप आप कुछ कुछ नहीं, पूछिएगा मैं तो कुछ बोलेंगी बताएंगे। तब आप लोग रिप्लाई करेंगे। नहीं तो जैसे कि हम जो समझाते हैं वो समझ में आता है ना? यस मैम। नहीं, वही बात हम कह रहे हैं कि जब आपको नहीं समझ में आए तो बीच में बोला करिए, नहीं तो पता चलेगा कि हम बोलते बोलते चले गए और आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। नहीं मैम, समझ में आता है। तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अब इसका कब है? आर्किटेक्चर का अब नेक्स्ट वीक में है ना? यस कोई नहीं, ठीक है, तो आज स्टॉप करते हैं आज का क्लास यहीं मैम, पे। कॉलेज कब से ओपन हो रहा है? देखिए, कॉलेज का नोटिस कुछ कह नहीं सकते क्योंकि थोड़े दिन पहले आया था कि 6 जुलाई से ओपन होने वाला है, लेकिन अभी तो कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के तरफ से नहीं आया है। तो यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट से जब तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ कह नहीं सकते। अगर आप लोगों को कॉलेज में अगर कुछ काम है, जैसे बुक्स अगर लेना है, तो आप आ सकते हो, कॉलेज खुला है, लेकिन क्लासेस के लिए अभी कॉलेज नहीं खुला हुआ है। ओके, अगर आप लोगों को ओके किसी वर्क के लिए आना है या बुक लेने या बुक रिटर्न करने आना है और आप लोग यहाँ हैं तो आ सकते हैं बुक ले जाने के लिए।
मैम बुक्स कॉलेज में मिल जाएगा? हाँ लाइब्रेरी से आप लोग का इशू होगा, बुक लाइब्रेरी में आप लोग का है ना, लाइब्रेरी कार्ड बना है ना आप लोगों का? नो मैम। यस मैम। तो जिन लोगों का भी नहीं बना हुआ है और बुक चाहिए तो आप लोग आइए कॉलेज में, लाइब्रेरी कार्ड बनवा करके बुक इशू करवा लीजिए। मे बी शायद 1 वीक के लिए होता है इशू, तो आप ले लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिटर्न करिए या फिर से रीइशू करवा सकते हैं। ओके मैम। ओके ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। बच गए, त्रिवी दे दो भाई ने। आप सरप्राइज मिल रहा है तो थोड़ा रुको भाई, पापा को छोड़ के और कुछ